जोहार दोस्तों, कुरुक एडुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उड़ाव जाति के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 14 नंबर, उड़ाव जनजाति में आपस में नाता स्थापित करने हेतु जिस सहयोग का चुनाव किया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है कर्मदार, संगी, सहियारो, गोई। तो 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग भी मन में उसका आंसर सोच लीजिएगा और देखिएगा कि उतना में से आप कितना सही कर सकते हैं, 15 में से कितना सही कर सकते हैं। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, सहियारो। 15 नंबर, उड़ान जाति में आपसी मित्रता के दौरान बने लड़कियों के मित्र को कहा जाता है। ऑप्शन है गोई, कर्मदार, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों, 15 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों। 16 नंबर देखते हैं, उड़ान जनजाति में आपसी मित्रता के दौरान बने लड़कों के मित्र को कहा जाता है। ऑप्शन है लार, संगी, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, उपरोक्त दोनों। 17 नंबर, उड़ान जनजाति में दो मित्र की पत्नियां आपस में एक दूसरे को किस नाम से बुलाती है। ऑप्शन है लारिन, संगनी, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर के आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त दोनों, लारिन और संगनी दोनों का के बुलाती है। 18 नंबर, उड़ान जनजाति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन है इस जनजाति में एक ही गांव के लड़का लड़की के बीच विवाह नहीं किया जाता है। बी है इस जनजाति में परिवार की संपत्ति पर केवल पुरुषों का अधिकार होता है। ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन डी है उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। 19 नंबर, उड़ान जनजाति के युवक गिरी को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है घोटुल, बी धुमकुड़िया, सी गितिओड़ा और डी कोरवा। तो 19 नंबर के आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 19 नंबर का आंसर आसान है, तो आप लोग कमेंट में देने का कोशिश करिएगा। हम लोग देखते हैं 20 नंबर, उड़ान जनजाति में प्रचलित अखाड़ा है। ऑप्शन है पूजा स्थल, बी नाच का मैदान, सी लड़ाई का मैदान और डी इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नाच का मैदान। 21 नंबर, उड़ान जनजाति में पंचायत को कहा जाता है। ऑप्शन है पंचवटी, बी पंचांग, सी पंचोरा और डी पंचनाग। तो 21 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 21 का हो जाएगा सी पंचोरा। 22 नंबर, उड़ान जनजाति में पुरुषों के द्वारा त्योहार के समय पहना जाने वाला वस्त्र कहलाता है। ऑप्शन है यदुर, खनरिया, केरिया, खद्दी। तो 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 22 नंबर का भी आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 23 नंबर, उड़ान जनजाति में महिलाओं के द्वारा त्योहार के समय पहना जाने वाला वस्त्र कहलाता है। ऑप्शन है जादुर, खनरिया, केरिया, खद्दी। तो 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा बी खनरिया। 24 नंबर, उड़ान जनजाति के प्रमुख नृत्य को कहा जाता है। ऑप्शन है छाऊ, जप्पी, कठोरवा, यदुर। तो 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा डी यदुर। 25 नंबर, उड़ान जनजाति द्वारा विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले शिकार के संबंध में
निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? ऑप्शन है वैशाख विशु सिंद्रा और दूसरा फागु फागुन फागु सिंद्रा और तीसरा सावन जेठ शिकार। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। यहां पर चयन करने दोस्तों तो 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का हो जाएगा सी उपरोक्त तीनों। 26 नंबर देखते हैं, उरान जनजाति द्वारा किए जाने वाले अनौपचारिक शिकार को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दौरा शिकार, फागु शिकार, जेठ शिकार, माघी शिकार। तो 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा ए दौरा शिकार। 27 नंबर, उरान जनजाति में वर्ष का प्रारंभ होता है? ऑप्शन है गेहूं की फसल काटने के बाद, बी धान की फसल काटने के बाद, सी धान की फसल लगने से पूर्व और डी होली के बाद। तो 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा बी धान की फसल काटने के बाद। 28 नंबर देखते हैं दोस्तों, उरान जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार धर्मिष देवता के सम्मान में मनाया जाता है? ऑप्शन है कर्मा, खद्दी, सरहुल, जतरा। तो 28 नंबर का आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट में देने का दे दीजिएगा। और 29 नंबर और लास्ट है, उरान जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है? ऑप्शन है सोहराय, सरहुल, जतरा, कर्मा। तो 29 नंबर का भी आंसर कमेंट में दीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह का मैं वीडियो इस चैनल में डालते रहता हूं, तो और भी अपने भाई लोग के पास शेयर कर दीजिएगा। और अच्छा लगता है या कैसा लगता है आप अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं और अच्छे तरीके से बताने का कोशिश करूंगा। और वीडियो देखने के लिए सबको धन्यवाद।